कविता कल एक IIT एडवांस का रिजल्ट आया तो उसपे लिखा है, शिवम नाम है मेरे दोस्त का बेटा है, उसने काफ़ी मेहनत करी, राजेश शाह है इंस्पेक्टर उनका बेटा शिवम, और एक उसका 1215 रैंक आया है। तो मैंने देखा उस बच्चे को की तैयारी करते हुए कैसा पागल की तरह था, बीच में वो भी फेस देखा जबकि उसको लग रहा था कि मैं बढ़िया नहीं कर रहा हूँ, तो या घर वाले बड़े परेशान की कहीं कुछ कर ना ले, ये सब चीजें बड़ा टेंशन वाली होती है। तो बच्चे बच्चे के मन मस्तिष्क पे क्या चलता है और ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी है। कि कविता का शीर्षक भी रखा है शिवम सी प्रत्याशा। तो कविता पाठ करता हूँ कि मंजिलें यूं नहीं मिलती इसके साथ जीना मरना होता है, मंजिलें यूं नहीं मिलती इसके साथ जीना मरना होता है, और छोड़ते हैं सारे मजे और मस्ती खून भी पसीना होता है, छोड़ते हैं सारे मजे और मस्ती खून भी पसीना होता है, और पाना हो मनचाहा तो शिवम सी शिद्दत दिखाना पड़ता है, पाना हो मनचाहा तो शिवम सी शिद्दत दिखाना पड़ता है, और नजरें लक्ष्य पे जमा के निरंतर सही दिशा में चलना पड़ता है। तो IIT प्रवेश हंसी खेल नहीं ये तपस्या ही होता है, IIT का प्रवेश हंसी खेल नहीं ये तपस्या ही होता है, छोटी बड़ी न जाने कितने खुशियों के पल त्यागना होता है, और देख मासूम की अथक मेहनत माँ बाप का दिल कसकता है। यार कितना लगा रहता है, मेहनत के फूल की खुशबू से सारा घर आंगन महकता है। बाद में जब आदि रिजल्ट तो सारे बड़े खुश होते हैं, सोते जाते लक्ष्य मन मस्तिष्क में घुमाना पड़ता है, और खुद को पॉजिटिव रख के रातों को जागना पड़ता है, मन माफिक सफलता यूं ही नहीं मिलती है, सामने में आने वाले छोटे मोटे प्रलोभनों से बचना पड़ता है, मैं ये कर लूँ वो का मतलब थोड़ा गेम खेल लूँ वगैरह, इन सब चीज़ों से बच्चा बिल्कुल ही कट जाता है। दौड़ लंबी है, खुद को उसके मुताबिक ढालना पड़ता है, मन की भ्रांतियों और आशंकाओं में उलझने से बचना होता है, मैं कर सकता हूँ और मैं जरूर करूँगा, बार बार मन में शिवम सी प्रत्याशा दोहराना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी नकारात्मक विचार भी हावी होता है, ऐसे में अंदर का विश्वास कई बार हिलता है, पड़ाव में मिलने वाली असफलता अंदर भूचाल उठाती है, तब तकिए में मुंह छुपा के रोना भी पड़ता है, अंदरूनी हालात भाप के माँ बाप को संबल बनना पड़ता है, और पूरे परिवार को कई बार कठिन घड़ी से गुजरना पड़ता है, और नींद हवा हो जाती है, और बार बार बच्चे को झांक के देखते हैं, बच्चे के दर्द और तकलीफ में से उनको भी गुजरना होता है। तो आखिरी चार लाइन है कि IIT और मेडिकल के टॉप रैंक के लिए जूझना होता है, और 12वीं पास करने वाले हर तेज बच्चे का ये सपना होता है, ये भी सत्य है कि सभी बच्चे तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और राय है बच्चों को समझना और समझाना होता है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है IIT और वही करें, जिंदगी में और बहुत सारे काम है, बड़े उससे अच्छे अच्छे काम है। ठीक है, तो सबके लिए यही संदेश है कि मेहनत करें, लेकिन आप अपनी उससे असफलता से निराश ना हो, जिंदगी में और रहे हैं। ठीक है।